गाड़ी का बल्ब कम, मार्बल ज्यादा लग रहा है ये तो यहाँ से तो। चलो बढ़िया है, आज अच्छे से इसकी सर्विस होगी हमारी राम प्यारी की। एट ओ फाइव ए एम इन द मॉर्निंग, जस्ट वोक अप फ्रॉम अ वंडरफुल स्लीप। सही बताऊं तो गला बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, कल रात को कफ सिरप लिया तो उस करके नींद बड़ी खतरनाक आई, लेकिन गला लेकिन चलो कोई ना, जो भी है जैसा भी है ठीक है। अब उठते हैं, तैयार श्यार होते हैं, ब्लॉग की ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं और दवाई लेने निकलते हैं। ये तो भी अनऑफिशियली स्टार्ट हुआ है ना, फिर ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे। हाँ यार, कंबल से निकलते कि नहीं ठंड लगती है। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपको एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया। फाइनली 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 नहाना धोना कंप्लीट और ऑफिशियली ब्लॉग की भी शुरुआत हो चुकी है। फ्रेंकली स्पीकिंग, नहाने के बाद मेरे गले की हालत काफी हद तक ठीक है, मेरे को काफी अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी एक ना एक बाइट तो डॉक्टर को दिखा के लाना ही पड़ेगा, कभी टॉन्सिल्स वगैरह ना हो, क्योंकि जनरली मौसम चेंज में ना मेरे साथ ये दिक्कत आती ही आती है। जब सर्दियों से गर्मियां आई थी ना, तब भी मेरे को ये दिक्कत आई थी। चलो कोई ना, एक बार दिखाई लाएंगे डॉक्टर को। सबसे पहले तो ये रख के आते हैं बाहर, वैसे तो हर व्लॉग में रख के आता हूँ, लेकिन हाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ताकि तुम लोगों को भी याद रहे, भी तौलिया अंदर सूखने नहीं डालना, बाहर डालना है अगर धूप निकली हुई है। कल हमने ड्राइंग रूम बिछाने के लिए सप्लीमेंट्री कारपेट भी निकाला था, क्योंकि अभी तक इनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, तो बढ़िया वाले कारपेट सब हम निकाल नहीं सकते, तो ये निकाला था, लेकिन ये बहुत ज्यादा गंदा लग रहा था तो हमने उठा ही दिया। फाइनली गॉट आर मेड्स, जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ, हल्के से कोल्ड के सिम्टम्स हैं, इनिशियल सिम्टम्स हैं, इस टाइम पे अगर रिकवर करके आना तो ठीक है, नहीं तो मेरी पूरी सर्दियाँ बर्बाद हैं। चलो एटलीस्ट पता तो लग गया, अभी परसों से ही तो शुरुआत हुई है, परसों से ही शुरुआत हुई, पता लग गया दो दिनों में ठीक हो जाएंगे, फिर शादी भी तो इंजॉय करनी है, शादी भी तो आ रही है। गाड़ी ठीक कराने जाने से पहले मैं एक परौंठी खा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने दवाई लेनी है। वैसे तो जनरली मैं सिर्फ दिन में दो बार ही खाना खाता हूँ, लेकिन आज मजबूरी में तीन बार ही खाना पड़ रहा है, एक दवाई ब्रेकफास्ट के साथ, एक लंच के साथ, एक डिनर के साथ। अब लंच तो मैं करूँगा नहीं, तो लंच वाली डोज है ना वो मैं पोस्ट ब्रेकफास्ट के साथ कर लूँगा 12-1 बजे करीब, और आज का पोस्ट ब्रेकफास्ट है भी बहुत खतरनाक। तो देखते हैं, फटाफट ये ख़त्म करते हैं, दवाई लेते हैं, फिर निकलते हैं गाड़ी को दिखाने के लिए। गाड़ी को लेके जाने का प्लान हमारा कुछ इस प्रकार है, मैं लेके जा रहा हूँ ई बाइक, पापा लेके जा रहे हैं गाड़ी, हम वहाँ पे गाड़ी ड्रॉप करेंगे, फिर मैं ई बाइक पे पापा को वापस घर ले आऊँगा, फिर जब भैया कॉल करेंगे भी हाँ आपकी गाड़ी तैयार है, तब हम लेने वापस पहुँच जाएंगे। वैसे तो मेरे हिसाब से कोई इतनी दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि जब गाड़ी नीचे को लगी थी ना, तब चासी के भरोसे बैठ गई थी, जो टायर वगैरह मतलब बॉडी और टायर्स को कनेक्ट करता है ना, उसके भरोसे थी, और वो काफ़ी सॉलिड होती है। बाकी जो भैया बताएंगे वही होएगा, अब हम निकलते हैं। मैं भी पहुंच गया और वहां पे पप्पा भी आ ही गए, बस गाड़ी इधर को मोड़ के इधर को यहाँ पे लग जाएगी। बाय बाय। गाड़ी का बल्ब कम, मार्बल ज़्यादा लग रहा है ये तो यहाँ से तो। चलो बढ़िया है, आज अच्छे से इसकी सर्विस होगी हमारी राम प्यारी की। हम घर गए गाड़ी देने के बाद, एक घंटा घर पे ब्रेक लिया, अब वापस आए हैं देखने के लिए कि अब तक तो काम हो ही चुका है, मेरे हिसाब से सब छोटा मोटा काम ही रह गया। हाँ ये खुली हुई हमारी राम प्यारी। लो जी, गाड़ी ठीक भी होगी हमारी, बढ़िया किया चक्कर लगा लिया, एक घंटा लगा मुश्किल से सारी गाड़ी ठीक होने में। चलो अब घर की तरफ निकलते हैं और गाड़ी अपुन चलाएगा। हाय क्या प्यारा क्लच हो गया, हमने क्लच फ्लूइड हल्का सा निकलवाया है, जस्ट फॉर स्मूथनेस। ब्रेक कितनी स्मूथ होगी यार, ओवरऑल सर्विस तो जरूरी है ही है। क्या मक्खन होगी गाड़ी, मतलब इतनी ज्यादा मस्त, इतनी ज्यादा सेक्सी,
असली क्लच का अंदाजा लग रहा है, मतलब जो गाड़ी की पावर है ना फील हो रही है, जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना वो आ रहा है, और अब मेरे को काफी अच्छा फील हो रहा है गाड़ी चलाने में, मतलब पता लग रहा है अभी यहाँ i10 चला रहे। हमारे पोस्ट ब्रेकफास्ट में कच्ची गोभी का पराठा, दही और घर का निकला हुआ मक्खन। OOPM इन द आफ्टरनून, जहां से आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई थी वहीं से वापस आ चुके हैं। मैंने पोस्ट ब्रेकफास्ट करा, उस पर अपनी मेडिसिन ली, शाम की कहां पड़ी, वहां पे पड़ी, अपनी मेडिसिन ली और मस्त सोया 4 घंटे। मतलब तुम मानोगे नहीं, अगर मम्मी ना उठाते ना तो मेरे को नहीं लगता मैं रात के डिनर से पहले उठ पाता, लेकिन चलो उठा दिया, बढ़िया किया, अब कम से कम ब्लॉग एडिट तो कर पाया। बड़ी लंबी आवासी होगी। अगर तुम लोगों को भी मेरे को देख के वासी आ रही है तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि ये फिनोमिनन होता है, अगर किसी को देख रहे हो ना वासी लेते हो फिर तुम्हें भी आ ही जाएगी, पता नहीं क्या फिनोमिनन है। तो अब शाम के 4 बज चुके हैं, हमारे पास दिखाने को कुछ नहीं बचा, आप लोगों के पास देखने को कुछ नहीं बचा, इसी नोट पे करते हैं आज की वीडियो को एंड। होप करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल फिर मिलेंगे एक नवी जर्नी, एक नवी एडवेंचर, एक नवी एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन बाय बाय, पीस आउट, लव यू। और मेरे हाथों में जॉइंट्स में बड़ा अजीब से ही हो रहा है, लगता है दवाई का नशा है।